प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। उत्तर प्रदेश में माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है। इसी कड़ी में संगम नगरी प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पीडीए ने झूसी जोन 5 में 2 अवैध प्लाटों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पीडीए ने 2 जिसी मशीनों से अवैध प्लाटिंग को दुरुस्त कराया है या अवैध प्लॉटिंग उस्मानपुर महमूदाबाद गाँव में की गई थी। हरिचंद्र यादव और राजेश धर त्रिपाठी ने 15 बीघे में अवैध प्लॉटिंग की थी जिसे ध्वस्त कराया गया है। इसके साथ ही रामलखन यादव उर्फ पतेला ने भी लगभग 15 बीघे में अवैध प्लॉटिंग की थी। दोनों जगह पर प्लाटरों ने करोड़ों की जमीन पर अवैध रूप से प्लॉटिंग की थी। ग्रामीण के मुताबिक प्लॉटिंग में ग्राम समाज की जमीन को भी शामिल किया गया था। अभी इस मामले में राजस्व विभाग अलग से कार्रवाई भी करेगा। दरअसल प्रयागराज विकास प्राधिकरण से बगैर लेआउट पास कराए प्लॉटिंग कर लोगों को सैकड़ों प्लाट बेच दिए गए थे। अब यह इलाका नगर निगम में शामिल हो गया है, इसलिए यहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने प्लॉट खरीद लिए थे। पीडीए के संयुक्त सचिव व जोनल अधिकारी अजय कुमार के नेतृत्व में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। उनके मुताबिक अवैध प्लाटों को नोटिस देने और कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। वही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान मौके पर झूसी थाना पुलिस भी मौजूद रही, जिसके चलते ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का विरोध नहीं हुआ। पीडीए के संयुक्त सचिव व जोनल अधिकारी अजय कुमार के मुताबिक अवैध प्लाटिंग पर आगे भी एक्शन जारी रहेगा। मुस्तापुर महमूदाबाद इलाके में कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे अवैध रूप से प्लाटिंग की जा रही थी, पहले प्लाटिंग की गई थी और अभी भी कुछ प्लाटिंग कार्य चल भी रहा था, तो उसी के खिलाफ कार्रवाई की गई क्योंकि इसका लेआउट प्रयागराज विकास प्राधिकरण से अभी तक स्वीकृत नहीं है। करीब कितनी जमीन होगी, कितने कराई? ये लगभग 15 बीघे में एक चंक है, क्योंकि हरिश्चंद है और राकेश धर त्रिपाठी जी हैं और दूसरा ये रामलखन यादव जी हैं, इनका हो रहा है, इनके द्वारा कराया गया है। कई बार रोकने का प्रयास किया गया लेकिन जारी रहने पर ये कार्रवाई की जा रही है। हाँ, ये भी लगभग 15-20 बीघे है, ये कार्रवाई की जा रही है। आगे और भी कार्रवाइयाँ इस तरह जारी रहेगी? हाँ, कार्रवाई बिल्कुल जारी रहेगी, हमारा आगे भी चलती रहेगी। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।